अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करें, पूरा देश में आपका नाम हो, आप सक्सेस के नए मुकाम हासिल करें, तो आपको ये 10 बातें जरूर जाननी चाहिए, जिससे आपको ये पता हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत हो, लेकिन आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो आपका जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दे, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। नंबर 2, चाड़ा कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों में बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना हो तो चुप रहें और अपने विवेक से काम लें। नंबर 3, समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बन जाते हो। ऐसे में अपनी कमजोरी अपने उन रिश्तों को बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी न बताए, चाहे वो आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों न हो। नंबर 4, आचार्य चाड़ा कहते हैं अपमानित होकर जीने से अच्छा है मर जाना। मेहनत तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीने पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़र में पहले जैसे नहीं रहोगे। नंबर 5, यह वाक आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो भी उसे लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कब पलट जाए। आचार्य चाड़ा की यह लाइन याद रखें, कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाए उसकी बचत करें, जब जरूरत हो तभी खर्च करें। नंबर 6, इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं। तो 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? ऐसे लोग जो गरीब जीते हुए अमीर बन गए, इन सब में एक बड़ा डिफरेंस है आलस्य का। 80% लोग किसी भी काम को करने में आलस करते हैं, वही 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनना है तो आलस त्यागो और परिश्रम करना सीखो। याद रखो, आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता। नंबर 7, आचार्य चाड़ा कहते हैं हमें भूतकाल के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास न तो आने वाला कल है और न ही बीता हुआ कल, आपके पास बस एक ही चीज है, वह है आज। नंबर 8, आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा कर दे, तो समझ ले कि इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों को विश्वास करने से बचे। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। नंबर 9, आचार्य चाड़ा कहते हैं कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसे मित्रता कभी भी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में ही रहोगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने के सोचेंगे। वही आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही हो। और नंबर 10, आचार्य चाड़ा कहते हैं जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उससे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों की जड़ लगाव है। जब आप किसी के साथ लगाव रखते हो तो आप मोह माया के चक्र में फंस जाते हो और यही आपके दुखों का कारण होता है। अगर यह लगाव नहीं होगा तो आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे और अपने करियर में सफल हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो उसे रिश्ते से बाहर निकलने के सोचें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है।